अब से कुछ देर बाद अन्नदाताओं के साथ सरकार की बात होनी है। सरकार की ओर से बातचीत के नेतृत्व कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर कर रहे हैं, लेकिन बातचीत से पहले ही उनके तेवरों ने बता दिया है कि आज की बैठक में अगर समझौते की उम्मीद की जा रही है तो इसकी उम्मीद ना के बराबर है। तो आखिर क्या कहा है कृषि मंत्री ने, जिससे आज के बैठक में भी सिर्फ अगली बैठक की तारीख मिल सकती है। देखिए ये रिपोर्ट। अन्नदाताओं की दो मांग है, पहली कृषि कानून रद्द किए जाएं और दूसरी सभी फसलों पर एमएसपी लागू करने के लिए सरकार कानून बनाए। लेकिन एमएसपी पर बात तब शुरू होगी जब सरकार पहले कृषि कानून रद्द करने पर सहमत हो जाए। सरकार पर दबाव डालने के लिए अन्नदाताओं ने कल ही दिल्ली के चारों ओर ट्रैक्टर रैली निकाली, जिसमें 60,000 से ज्यादा ट्रैक्टर शामिल हुए। अन्नदाताओं ने ऐलान भी कर दिया है कि ये तो सिर्फ रिहर्सल है। ट्रैक्टर रैली की पूरी फिल्म 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस की परेड के बाद दिखाई जाएगी। इस दिन अन्नदाता ट्रैक्टर परेड निकालेंगे। ये परेड तभी रोकी जा सकती है जब सरकार अन्नदाताओं की मांग मान ले। लेकिन सरकार की ओर से जो संकेत हैं वो साफ है कि कृषि कानून वापस नहीं होंगे। हाँ, एमएसपी पर बात हो सकती है, कानून में भी संशोधन हो सकता है, लेकिन वापसी की बात नहीं होगी। कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने बातचीत से पहले कहा कि सरकार 3 नए कृषि कानूनों को वापस लेने के अलावा किसी भी प्रस्ताव पर विचार करने को तैयार है। नरेंद्र तोमर ने कहा कि मैं अभी ये नहीं कह सकता कि विज्ञान भवन में दोपहर 2 बजे अन्नदाताओं के 40 प्रतिनिधियों के साथ होने वाली बैठक का क्या नतीजा निकलेगा। ये इस बात पर निर्भर करता है कि बैठक में चर्चा के लिए क्या मुद्दा उठता है। हम कृषि कानूनों की वापसी का मामला छोड़कर हर मुद्दे पर बातचीत को तैयार हैं। यानी साफ है कि आज की बैठक में समझौता होने की उम्मीद बहुत कम है, क्योंकि कृषि कानून की वापसी अन्नदाताओं की प्रमुख मांग है। इस बीच सरकार की ओर से पंजाब के नानकसर गुरुद्वारा के प्रमुख बाबा लखा से मध्यस्थता करने के संकेत भी मिलने लगे हैं। कृषि मंत्री ने फिलहाल इस संभावना से इनकार किया है, लेकिन उन्होंने बाबा लखा से बातचीत की बात जरूर स्वीकार की है। नरेंद्र तोमर ने कहा कि अन्नदाताओं के आंदोलन को लेकर वो किसी से भी मिलने को तैयार हैं, वो चाहे अन्नदाता हो या फिर नेता। यानी कृषि मंत्री का संकेत साफ है कि आज की बैठक में समझौता होना मुश्किल है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।